तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो आप एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बनवा रहे हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो जेन्युइन कैसे माना जाएगा, वो रियल कैसे माना जाएगा, या कंपनी नहीं पकड़ पाए कि वो आपने कहीं से बनवाया हुआ है या उस डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारा प्रोसेस जानेंगे आज की वीडियो इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है या रिलीविंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, कुछ भी है, वो आपका जेन्युइन तभी माना जाएगा जब आपने कहीं से बनवाया है और वहाँ से बनवाने के बाद आपका वो जो जिस कंपनी में जा रहे हो आप, वहाँ पे वो सबमिट कराओगे। सबमिट कराने के बाद वहाँ से वो BGV इनिशिएट कराते हैं, लाइक जो बैकग्राउंड वेरीफिकेशन है वो इनिशिएट कराते हैं वहाँ पर। और वो बैकग्राउंड वेरीफिकेशन होता है मेल के थ्रू, ना कि मतलब ये होगा कि कंपनी वो लोग सर्च करेंगे, कंपनी ढूंढेंगे। ये पहले होता था जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये चीज़ें पहले होती थी, लेकिन अब क्या होता है, सारी चीज़ें मेल के थ्रू होती हैं। कांटेक्ट करते हैं मेल के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू या मैसेज के थ्रू, इस तरीके से वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। तो अब मैं बात करूँ, अगर जब किसी नेक्स्ट कंपनी में आप वो एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पे पुटअप कर रहे हो, जब वहाँ पे वो लगा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, वो मेल के थ्रू वहाँ पे बैकग्राउंड वेरीफिकेशन करते हैं। अब जहाँ से आपने बनवाया आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, अच्छे से बात करनी है, या जैसे भी आप लोगों ने बनवाया हो पैसे वैसे देके, तो वहाँ पे आपको ये बोलना कि एक मेल आया है इस कंपनी से और इसको आपको वेरिफिकेशन पे करना है या उस पर वेरिफिकेशन देना है कि हाँ दैट दिस कैंडिडेट वॉज वर्किंग ही आर, यानी कि ये कैंडिडेट यहाँ पे काम कर रहा था और इतने दिनों तक यहाँ पे काम किया। और रही बात सैलरी की, आप 15 लिख दो, 20 लिख दो, 25 लिख दो, तो ये आप दिमाग में एक अच्छी तरीके से बात बैठा लो कि जो प्रीवियस कंपनी है, जो आप नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हो, तो वो कंपनी कभी भी, यानी कि प्रीवियस कंपनी नेक्स्ट कंपनी को कभी भी आपकी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करती है, कभी भी सैलरी आपको नहीं बताएगी, उस नई कंपनी को कभी भी नहीं बताती कि तुम्हें 15,000 मिल रहा था कि 20,000 या 10,000 मिल रहा था, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो लेकिन अब चीज़ें आती हैं ना मैनेज करने वाली, अब अगर PF डिडक्शन है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखनी पड़ती हैं चीज़ें कि PF का 12% कट रहा है या 1.7 ESI कट रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसको बनाने में भी बहुत थोड़ा सा दिमाग लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक वे से होती हैं, तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको। बाकी जो फाइनली है, अगर आपने जहाँ से बनवाया है वहाँ से अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है, तो नेक्स्ट कंपनी में जहाँ पे आप पुटअप कर रहे हो वो सारी चीज़ें, वहाँ पे ये माना जाएगा कि हाँ बंदे को जेन्युइन एक्सपीरियंस है। वो मैटर नहीं करता कि आपने वहाँ काम किया है कि नहीं किया, उन्हें केवल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए उन्हें उस मेल पे रिवर्ट चाहिए, दैट्स इट। आपका हो गया जो क्लियर होना था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपको जॉब मिल गई, बाकी आप काम करो वहाँ पे, काम सीखो और इसके बाद बस मूव करते रहो, आराम से जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, प्रॉब्लम होती है तब जब आपको वहाँ से प्रीवियस, जहाँ से आपने बनवाए हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उनको नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम होती है और होगी भी। इस कंडीशन में आपको टर्मिनेशन लेटर भी मिल जाते हैं कंपनी से कि अगर आपको जो टर्म वहाँ से, और वहाँ सारी चीज़ें ना ऑन मेल रिटर्न पे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने 2 महीने हो गए आपका बैकग्राउंड वेरीफिकेशन क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर वो 1-1.5 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं, आपको एक सिंपल सा मेल डाल देंगे, योर लास्ट वर्किंग डे दिस दिस, फॉर एग्जाम्पल 22, 23 या 24 तारीख। अगर आपको, आपके पास ये 4 दिन का या 5 दिन का टाइम है, आप अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर करा लो तो बेटर है, आगे मूव हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, आप रहोगे भी। इन केस अगर उतने टाइम तक आपका ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो पाती है या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है, जो उन्होंने लास्ट डेट दी है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो 100% वो टर्मिनेट कर देते हैं और वहाँ से टर्मिनेशन मिल जाता है। आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।